I'm Brigadier Sahir Aslam Bhatt, retired. I support Imran Khan. I am Brigadier Masood Ahmed and I am with Imran Khan. मैं अब गाली नहीं निकालना चाहता, कौम को आवाज दे रहा हूं, निकलो, बाहर निकलो, इमरान को बचाओ. एंड इट्स अ चार्ज्ड अप क्राउड. जैसे आदमी ने कहा, एक आदमी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट पे नहीं आया था, इसका मतलब नहीं है कोई नहीं आया था, मगर वो कह रहे थे ये जज्बाती क्राउड जो आए हैं. एक सोनामी है जो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, जिसके अंदर नाज़रीन किराम लाखों लोग पूरे पाकिस्तान से शिरकत के लिए आए हैं, कराची से, पिशावर से, गिलगित बल्तिस्तान से और इसी तरह से लाहौर से, पंजाब. बड़ी मखलूक आ रही है, ये 10 लाख कम है, 15 लाख लोग होंगे. अच्छा. और जलसा गाप तो भर जी जाएगा, बाहर भी लोग होंगे और जो एरिया वाइज ऑपरेशनल. जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज में. साथियों, पाकिस्तान में इस समय खासतौर पर इस्लामाबाद में वो हुआ है, वो चल रहा है जो कोई सपने में भी सोच नहीं सकता था. इमरान खान ने खुलेआम बगावत कर दी है. कोई कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि पाकिस्तानी फौज के 2 टुकड़े हो जाएंगे. पाकिस्तानी फौज का भी अब इमरान खान इतना बड़ा नेता बन गया है कि वो आर्मी चीफ से भी उसका कद बड़ा हो गया है. पाकिस्तानी फौजी जो है वो हजारों की संख्या में उसकी रैली अटेंड करने जा रहे हैं, एक्स ऑफिसर भी और जो अभी करंट ऑफिसर है वो भी. इसका मतलब है कि वो सब और ये भी सब इस बात को जानते हैं कि ये सब बाजवा का किया जा रहा खेल है. बाजवा की इमेज बन गई है दुश्मन के तौर पर. इमरान खान के साथ में 60% आर्मी इस समय खड़ी होगी, बहुत बड़ी बात है. पूरी चीज़ क्या है उधर हम चलते हैं. आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें. ये जाहिर है जो मुल्क में इस वक्त सियासी हलचल है, बल्कि सियासी बहरान है और इंतहाई संगीन होता चला जा रहा है और संजीदा भी. अदम एतमाद, हम बात कर रहे हैं जलसे जुलूस, रैलियों और लॉन्ग मार्चेस की, जो कि इस वक्त हमें सेमीफाइनल की सूरत में दिखाई दे रहे हैं. फाइनल मैच तो यकीनन वोटिंग ही होगा जो अदम एतमाद पे है, लेकिन उससे पहले जो ये सारा माहौल है बहुत ज़्यादा चार्ज नज़र आ रहा है इस वक्त. क्राउड भी, कारकुनान भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के. और इस वक्त मज़े की बात यह है कि अपोजिशन हो या हुकूमत, हर एक सियासी जमात के जो कारकुन हैं वो हमें सड़कों पर नज़र आ रहे हैं. करीने कयास है कि जनाब वो ट्रंप कार्ड जिसका बार बार प्राइम मिनिस्टर साहब जिक्र करते हैं, वो सरप्राइज जिसका इमरान खान साहब बार बार जिक्र करते हैं कि मिलने वाला है, वो शायद यही वो अवामी ताकत का मजहर है जिस पर उनकी उम्मीद है इस वक्त कि ये इतना बड़ा जलसा हो कि उसके बाद इत्तेहादी, मुनहरिफ अराकीन और मुख्तलिफ मुक्तदर हलके ये देख लें कि प्राइम मिनिस्टर के साथ आज भी पाकिस्तानी आवाम की सपोर्ट है और उसके बाद सभी के फैसले प्राइम मिनिस्टर के हक में हो जाए. पाकिस्तान की तारीख का आज ये सबसे बड़ा दिन है. पाकिस्तान की आवाम आज के दिन बड़ा फैसला करने जा रही है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करने जा रही है, खुफिया ताकतों की साजिशों को तोड़ने का फैसला करने जा रही है. अमरीका, यूरोप और बैरूनी ताकतों का जो पाकिस्तान के खिलाफ मंसूबे हैं उनको बेनकाब करने जा रही हैं. ये वही ताकतें हैं जो इस वक्त रूस और यूक्रेन को लड़ाकर दुनिया के अंदर तीसरी आलमी जंग शुरू कर चुके हैं. नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं इस वक्त सियासी तौर पर, अगरचे ये हालात इस तरह से बनाए गए हैं कि इससे यह बात मालूम ना हो कि खुफिया ताकतों के मंसूबे हैं, लेकिन सच्ची बात यह है और 100% हम वसूख से यह बात कह सकते हैं कि बैरूनी ताकतों ने पैसा लगाया है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इंतशार हो जाए, हंगामे हो जाएं, लड़ाई झगड़े हो जाएं, आवाम आपस में लड़ने लग जाए हैं पाकिस्तान के खिलाफ जो बैरूनी ताकतों ने बनाकर रखे हुए हैं. नाज़रीन, आज पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर एक तारीखी जलसा होने जा रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान, जो अमरीका, यूरोप और खुफिया ताकतों के सामने डट चुके हैं, वो बड़े बड़े ऐलानात करने जा रहे हैं. एक सोनामी है जो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुंच चुका है, जिसके अंदर नाज़रीन किराम लाखों लोग पूरे पाकिस्तान से शिरकत के लिए आए हैं, कराची से, पिशावर से, गिलगित बल्तिस्तान से और इसी तरह से लाहौर से, पंजाब. अगर इस्लामाबाद के जो जलसे होते हैं वो उधर तक जाते हैं जिधर साउंड सिस्टम जाता है. इन अदर वर्ड्स, जिधर साउंड सिस्टम जाता है वो तो मीलों तक जा सकता है और हर सेक्टर में जा सकता है, मगर पता नहीं उनका क्या अरेंजमेंट है, मैं तो उधर नहीं हूँ. मगर एक में एंड इट्स अ चार्ज्ड अप क्राउड. जैसे
आदमी ने कहा एक आदमी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट पे नहीं आया था, इसका मतलब नहीं है कोई नहीं आया था, मगर वो कह रहे थे ये जज्बाती क्राउड जो आए हैं। ये बहुत बड़ी जगह है और जलसा गांव के बाहर भी लोग होंगे, बल्कि मोटरवे टोल प्लाजा तक लोग होंगे। ये इतनी बड़ी मखलूक आ रही है, ये 10 लाख कम है, 15 लाख लोग होंगे। अच्छा। और जलसा गांव तो भर जीत जाएगा, बाहर भी लोग होंगे और जो एरिया वाइज ऑपरेशनल। और चंद ही घंटों के अंदर उस मैदान पर कप्तान अपनी जिंदगी की सबसे अहम तरीन सियासी इनिंग्स खेलने जा रहा है, एक ऐसे वक्त पर जब पाकिस्तान की कौम के लिए एक डिसाइसिव मोमेंट है। कौमों की तारीख में ऐसे मवाक़े आते हैं जब उन्होंने फैसला करना होता है कि उन्होंने गैरतमंद कौम की सूरत में ज़िंदगी गुजारनी है या फिर ग़ुलामी का तौक अपने गले में हमेशा हमेशा के लिए सजा लेना है। किया है जलसे से मुतल्लिक वज़ीर आज़म ने अपना खसूसी ऑडियो पैगाम जारी किया है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ऑडियो पैगाम में कौम को मुखातिब करते हुए कहा कि आज जो जलसा हो रहा है ये पाकिस्तान की जंग है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जंग है और इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जंग लड़ेगी। इमरान ख़ान ने कहा कि आज जो जलसा हो रहा है इस हवाले से तमाम अफराद को कहा कि मेरा सबको पैगाम है जो भी जलसे के लिए निकल रहे हैं जल्दी निकलें, जिधर जिधर जो वक्त भी आपने निकलने का तय किया हुआ है उससे पहले निकलें, मुझे खदशा है कि सड़कों पर होगा और आप जलसा गाह नहीं पहुंच सकेंगे। अब जो JUIA नाज़रीन किराम उसके कारकुनों का आपको पता है कि उनमें मदारिस के बच्चे हैं, अंसारुल इस्लाम की डंडा बरदार फोर्स है और सैटरडे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सख्ती से निपटा जाए, किसी ने श्रीनगर हाईवे को बंद किया और सड़क को बंद किया तो ऐसी की तहसीन की फेर दी जाए, यहां पर 1000 रेंजर्स, 1200 FC का एहलकार, हजारों पुलिस के एहलकार मौजूद है सिर्फ और सिर्फ JUIA के लोगों को सड़क की ब्लॉकिंग से रोकने के लिए कोर्ट के हुक्म पर। अब वो श्रीनगर हाईवे जिसे हाईकोर्ट ने कह दिया कि आपने बंद नहीं करना, उस पर ये स्टेज बनाने पर बजिद थे और स्टेज बनाने के लिए ये लोग निकल चुके थे, तो आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मामला क्या हो सकता है और ये यहां पर करना क्या चाहते हैं। अब नाज़रीन किराम एक जानिब जलसा गाह के मनाजर ऐसे हैं, मैं अब गाली नहीं निकालना चाहता, कौम को आवाज दे रहा हूं निकलो बाहर निकलो, इमरान को बचाओ। आई एम ब्रिगेडियर साहिर असलम बट रिटायर्ड, आई सपोर्ट इमरान खान। आई एम ब्रिगेडियर मसूद अहमद एंड आई एम विद इमरान खान। माय नेम इज कैप्टन अदीब उजमा सफवी, रिटायर्ड पाकिस्तान नेवी। लाइक टू गिव मैसेज दैट वी नीड एन ऑनेस्ट एंड अ बोल्ड लीडर लाइक इमरान खान, आई सपोर्ट हिम। और ये यकीन माने जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वीडियोस हैं, जो रिटायर्ड अफसरान की तरफ से मुझे मैसेजेस और वीडियोस आ रहे हैं, ये उसका 1% भी नहीं है, ये उसका 100 में से एक हिस्सा भी नहीं है जो मैंने आपके सामने चलवाया है, लेकिन ये चलवाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये एक मैसेज है। साथियों, एक तरफ इमरान खान के साथ में पाकिस्तानी फौजियों का खड़ा होना, ये इसका कितना बड़ा लेसन आप समझ सकते हैं भाई, जिसकी फौज उसका देश। सीधी सी बात है, पाकिस्तान में फौज इसीलिए इतनी डोमिनेंट रही है क्योंकि भाई जिसकी फौज उसका देश। लेकिन अब जो खेल है ये पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है और वाकई में ना सिर्फ ये सिविल वॉर की तरफ बल्कि सिविल अनरेस्ट की तरफ ये देश बढ़ रहा है। आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि अभी तक आप समझो कि जो आर्मी चीफ था वो प्रधानमंत्री के ऊपर, जो कि इमरान खान के ऊपर भी यही होता है, बाजवा इमरान खान के ऊपर जो है वो हंटर चलाता रहे, जो मर्जी करो, जैसे कहें वैसे करो, जैसे जहां बोले वहां बैठो, जहां बोले वहां जाओ, जो बोले वो खाओ पियो, सब कुछ मतलब वही सिस्टम रहा है। अब फौज जो है वो उसका बड़ा हिस्सा इमरान खान के पक्ष में आ गया है, उसका बड़ा हिस्सा इमरान खान के पक्ष में आ गया, ना सिर्फ फौज का बल्कि जो आम पब्लिक है उसका भी एक बड़ा हिस्सा, मेजॉरिटी जो है वो इमरान खान को पसंद कर रही है। तो अब इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, आप मान लो कल को इलेक्शन होते भी हैं, वो हालांकि हम एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहे हैं कि अभी तो ज़्यादा इसमें बॉल कितना होगा, इतना जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा वो तो ठीक है, लेकिन कल को इलेक्शन होते हैं, बाजवा सोचता रहता है कि भाई ठीक है ऐसे करेंगे वैसे करेंगे वैसे करेंगे, सब लोग जानते हैं जैसा आर्मी चाहती है वैसा वो चुनाव जीत जाता है। नीचे के जो ऑफिसर्स हैं पाकिस्तानी फ़ौज में, उनकी लॉयल्टी बाजवा की तरफ ना हो, उनकी लॉयल्टी हो इमरान खान की तरफ, कितना ही ऊपर से फिर निर्देश आते रहें कभी बाजवा कुछ नहीं कर सकता। और इससे बड़ी चीज़ ये है कि हम इस चीज़ को ऐसे समझें कि
बाजवा का हम देख रहे हैं पहले आए दिन कभी कुछ क्लिप विप आ जाया करती, लेकिन पिछले कल दोपहर से कल शाम से ही हम लोग देख रहे हैं कि बाजवा का कोई क्लिप, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई खबर कुछ नहीं आ रहा। तो कयास इसके ये भी लगाए जा रहे हैं कि बाजवा देश छोड़कर भाग चुका है या फिर अंडरग्राउंड हो चुका है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खौफ की बात है बाजवा के लिए। और जिस तरीके से जितना भारी सैलाब बुला लिया है, खुलेआम इमरान खान कह रहा है कि घरों से निकल लें, मुझको खौफ है आप लोग आ नहीं पाओगे, बाद में भीड़ रहेगी, रश रहेगा, अभी आ जाओ। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जलसा है। और ये चीज़ अभी तक भी हम देखें तो अभी तक भी लोगों को नहीं लग रही थी, अब तक लग रहा था कि भाई नॉर्मल लोग निकल के आएंगे, लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तानी फौजी निकल करके आ रहे हैं, और अब दो धड़े हो गए, एक है इमरान खान वाले फौजी, एक है बाजवा वाले फौजी, और इमरान खान वाले जो फौजी हैं वो बाजवा वाले फौजियों पर भारी पड़ रहे हैं। तो आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट करके बताइए। इस पर और वीडियोस तो लाते रहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें।